अखिल भारतीय हिमाचली संयुक्त मोर्चा ने शिमला में अपने अधिकारियों को लेकर आवाज बुलंद की है। चेयरमैन राजेश ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासियों के साथ गैरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी हिमाचल निवासियों के लिए 85% कोटे को तुरंत बहाल करने की मांग की है। यह कोटा साल 2012 में वीरभद्र सरकार ने शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद आज 2018 में यह कोटा बंद कर दिया गया है। मोर्चा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश प्रवासियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, यह उनका अधिकार है। तमाम हिमाचली प्रवासियों की पुश्तैनी जमीनें प्रदेश में हैं और वे वोट डालने भी हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। 2020-21 की अगर हम कोरोना की बात करें, हिमाचल भवन है, हिमाचल के लोगों के लिए तालमेल के लिए होना चाहिए। वहाँ स्थिति ऐसी होती है कि अधिकारी तो बैठते हैं, लेकिन जो हिमाचल के लोगों को उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए उनकी तरफ से जो पहल होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। और जितनी संस्थाओं के मैंने अभी आपको नाम गिनवाए, हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा, हिम सामाजिक संगठन, ज्वालामुखी विकास सभा, हिमाचल मित्र मंडल, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो वहाँ पर काम करती है। जब कोई आपत्ति या विपत्ति आती है, उस वक्त ये संस्थाएँ मोर्चा संभालती हैं और वो बखूबी अपने हिमाचल के लोगों के लिए, अपने हिमाचल के प्रदेशवासी के लिए अपना काम करती है। हिमाचल सोशल वार्ड 2020-21 की अगर हम कोरोना की बात करें, हिमाचल भवन है, हिमाचल के लोगों के लिए तालमेल के लिए होना चाहिए। वहाँ स्थिति ऐसी होती है कि अधिकारी तो बैठते हैं, लेकिन जो हिमाचल के लोगों को उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए उनकी तरफ से जो पहल होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। और जितनी संस्थाओं के मैंने अभी आपको नाम गिनवाए, हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा, हिम सामाजिक संगठन, ज्वालामुखी विकास सभा, हिमाचल मित्र मंडल, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वहाँ पर काम करती है। जब कोई आपत्ति या विपत्ति आती है, उस वक्त ये संस्थाएं मोर्चा संभालती हैं और वो बखूबी अपने हिमाचल के लोगों के लिए, अपने हिमाचल के प्रदेशवासी के लिए अपना काम करती है। हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन दिल्ली में बना हुआ है और 30 से 35 वर्षों से काम कर रहा है। उसके चेयरमैन आर के शर्मा जी हैं और उसकी जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं केशवरलाल शर्मा जी हैं। करमपुरा में हमारी धर्मशाला बनी हुई है, उसमें 12 कमरे हमारे पास हैं, उस मोर्चा फेडरेशन के पास हैं, वो सारे के सारे हिमाचलियों के लिए हैं। हिमाचल भवन में अगर कोई यहाँ से चला जाए, कोई कमरा बुक करें, तो उनके लिए कमरे नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते, बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। और यही तालमेल की कमी होती है कि एक्ट्रेस उनको तालमेल रखना चाहिए और जो लोग मिलने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहाँ मेल मिलाप में भी वो काफ़ी सारी एंस्टा न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट हैं जो